मिलना चाहिए पूरा। मुस्लिम आरक्षण पर एक लाइन का बयान और चुनावी माहौल में सियासी तूफान। आरक्षण के पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। तीसरे चरण के चुनाव के दिन लालू प्रसाद यादव ने ये बयान दिया तो पटना और दिल्ली ही नहीं बल्कि देश की सियासत में मानो भूचाल आ गया। उनके एक नेता जो पशुओं का चारा खा गए, उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, यानी एससी एसटी ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीन कर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली में लालू के बयान को मुद्दा बनाया तो दिल्ली में बीजेपी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और जामिया मिलिया इस्लामिया में एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण समाप्त कर चुके हैं, मुस्लिमों को दे चुके हैं। तो अब जो लालू प्रसाद यादव जी ने कहा, ये पूरा का पूरा, इसने अभी सच को पूरा का पूरा साफ कर दिया है। बीजेपी को तो मानो लालू के बयान से मनमांगी मुराद मिल गई। बीजेपी और प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों में इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण इंडिया गठबंधन वाले मुसलमानों को देना चाहते हैं और अब लालू यादव के बयान ने बीजेपी के दावे को मजबूती दे दी है। मंडल कमीशन में पिछड़ों को, अति पिछड़ों को आरक्षण देने की बात कही गई। लालू जी ने जब स्वयं मुख्यमंत्री थे, इन्होंने आरक्षण में मुसलमानों को डालकर धार्मिक उन्माद फैलाने का काम किया। जेडीयू ने भी लालू यादव के बयान को हाथों हाथ ले लिया। पार्टी ने कहा लालू का बयान पिछड़ों के आरक्षण का विरोध है। लालू यादव जी मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशन हैं उसके खिलाफ बोल रहे हैं। मुझे अफसोस है, लालू यादव का ये वक्तव्य पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ। देश में संविधान के हिसाब से अभी जो केंद्रीय आरक्षण की व्यवस्था है उसमें ओबीसी को 27%, एससी को 15%, एसटी को 7.5%, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिला हुआ है। अब लालू यादव इसमें मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा ले आए हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि लालू यादव को तीसरे फेज के चुनाव के बाद मुस्लिम आरक्षण की याद क्यों आई। बिहार के लिहाज से देखें तो इसके दो प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहली बात ये कि लालू यादव ने पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार मुसलमानों को कम टिकट दिया है। वैसे भी ओवैसी का बढ़ता प्रभाव महागठबंधन के लिए खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि उनके वोट बैंक में सेंधमारी हो सकती है। ऐसे में लालू यादव का यह बयान सोची समझी रणनीति के तहत एक सियासी चाल है जिससे कि मुसलमानों को साधा जा सके। अभी पिछले दिनों जब पूर्णिया और किशनगंज में चुनाव हुआ तो राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना था कि यहाँ मुसलमानों का वोट बढ़ गया। अब सिवान शिवहर जैसी सीटों पर चुनाव है जहाँ हिना साहब और एआईएमआईएम के उम्मीदवार महागठबंधन के उम्मीदवार को परेशान कर सकते हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार लगातार चुनावी रैलियों में लालू यादव और आरजेडी पर हिंदू और मुसलमानों को लड़वाने का आरोप लगा रहे हैं। बिहार के राजनीतिक जानकार मानते हैं कि पसमांदा मुस्लिम वोटर्स पर नीतीश की पकड़ अब भी मजबूत है। हमने 2006 में ही 8,000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी हमने जो आपको बताया कर दिया गया। हम लोग भाजपा ही ने बता दिया आपको साथ में थे, हम मिलिए करके ना काम किए हैं, लेकिन भाजपा को लोग आलोचना झूठे करते रहता है कि मुस्लिम के खिलाफ है, काला मुस्लिम के खिलाफ है। लेकिन मुस्लिम आरक्षण का ये मामला सिर्फ लालू के बयान और बिहार तक सीमित नहीं रहने वाला। अब जरा देश में मुस्लिम बहुल सीटों पर 2019 का नतीजा देखिए। 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली सीटों की संख्या 115 है। इसमें एनडीए को 63, यूपीए को 18, अन्य को 34 सीटें मिली थी। कांग्रेस कह रही है इस बार जनादेश इंडिया गठबंधन को मिलने वाला है, इसीलिए बीजेपी बौखला रही है। बीजेपी इतनी बौखलाई हुई है, अब 4 तारीख को वो एक्सपीएम हो जाएंगे, वो बाहर निकलने वाले हैं, उनको जनादेश मिलने वाला नहीं है, वो जानते हैं। ये सब बिल्कुल दिखावा है। जो आरक्षण कर्नाटक में दिया गया था, वो जो अल्पसंख्यक हैं, हर अल्पसंख्यक को आरक्षण दिया गया था, पर आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन के आंकड़े के आधार पर।
फिलहाल देश में तीसरे चरण का चुनाव हो गया है, अब चार चरणों में चुनाव बाकी है और मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा आगे और गर्माने वाला है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।